हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। डेली करंट अफेयर सेशन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है चैनल। यहाँ पर आपकी जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करते हैं वो पीडीएफ यहाँ शेयर कर दिया जाता है। यहाँ वन लाइनर में ही होता है वो पीडीएफ। बाकी वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत डीपली जा करके हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ से आपको क्या कहता है, रिवीजन के लिए आपको वन लाइनर में मिल जाता है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका क्या बेनिफिट है इसको ज्वाइन करने से, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ आपको डेली जितने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं करंट अफेयर से, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, सबसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी बनती रहेगी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज की हमारी मोटिवेशन कोर्स क्या है, जिससे आप क्या है उसको सुन करके आप क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, अगर थोड़ा सा लो फील हो रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या कह रहा है कि खोल दे पंख मेरा, कि परिंदा कह रहा है कि मेरे पंख को खोल दो, अभी और उड़ान बाकी, इतने में मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, अभी मैं और उड़ सकता हूँ। जमीन, ये जमीन मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि क्या है, अभी पूरा आसमान बाकी, अभी मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि कहा है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? कौन सा राज्य हाल ही में भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है, ये देखा जाए तो आपका जो 2020 से दो साल के बाद, यानी 21-22, 2020 से लेकर के देखा जाए 21-22 तक देखा जाए, तो जो फसल वर्ष है आपका जुलाई जून, उसमें उत्पादन में इसके कितना 10 लाख टन का अंतर आया है। यानी कि ये जो है उत्तर प्रदेश टॉप पर पहुंच गया है, और जो वेस्ट बंगाल है वो सेकंड पर पहुंच गया है। तो हमको ये नहीं देखना कि कितना डिफरेंस आया है, बस ये देखना है टॉप पर कौन आया है। तो टॉप पर आया है हमारा स्टेट यूपी, एंड सेकंड पे कौन सा है हमारा स्टेट, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। एंड थर्ड पर कौन सा है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ उत्तर प्रदेश, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड पर आपका एमपी, एंड फोर्थ पर आपका बिहार, एंड फिफ्थ पर आपका महाराष्ट्र। ये क्रम से आपको पांचों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है ना, मिलाने को आ जाता है कि कैसे आपको क्रम से लगाना है। तो आपका आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें, ये तो सब्जी उत्पादन में हम लोगों ने देखा, अब हम लोग किस में देखेंगे, फल उत्पादन में। फल उत्पादन में कौन टॉप पर आया है? तो जो है उसका नाम है, फर्स्ट पर है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट पर कौन आया है, आंध्र प्रदेश, और सेकंड पर कौन है, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना है, सब्जी में पूछे तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश, फल में पूछे आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और देख लेते हैं कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, कि जो सब्जियों के उत्पादन, सॉरी, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है, ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाता है, ओलेरी कल्चर। अगर पूछ ले कि फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो फल होते हैं उसका जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। अगर यही पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, तो जो हमारे फल उत्पादन होते हैं, सब्जी उत्पादन होते हैं, बागवानी होते हैं, सबको मिला करके उसको क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ चुका है, जितने भी मैंने बताए सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको फैक्ट नोट कर लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा। सेकेंड देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट।
सेकंड क्यों इम्पोर्टेंट हो जा रहा है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक, 1 अप्रैल को कुछ याद आ रहा है कि किसकी स्थापना दिवस मनाई गई होगी? आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। एक्ट किसके? 1934 एक्ट के तहत हुई थी। तो 1 अप्रैल जब भी है तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि किसकी स्थापना वर्ष स्थापना दिवस है, यह है आरबीआई का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो वो कौन संभाले हैं महोदय? इनका नाम है डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर एस राजू, राजू भाई हैं जिन्होंने क्या किया है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट, और ये किसके किसका किसका स्थान ले रहे हैं? अभी तो ये मतलब पदभार संभाल लिए, इसके पहले कौन था? तो इसके पहले जो थे उनका नाम था आर एस गरखल। उनका क्या नाम था? आर एस गरखल। तो इन्हीं का ये स्थान लेंगे जो क्या किए हैं अभी 31 मार्च 2022 को क्या हुए, रिटायर्ड हुए हैं, तो उन्हीं के स्थान पर ये क्या करेंगे, पदभार संभाले हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी मैंने सैटरडे के लेक्चर में डिस्कस किया था, आप लोगों से बताया था कि जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI है, GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अब क्यों मैंने इसको डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने बताया था, उसी दिन बताया था कि अभी हाल ही में क्या किया गया है, अभी हाल ही में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका मैंने डिस्कस किया था, बताया था, शिवालिक, याद आ गया होगा, शिवालिक फॉसिल जीवाश्म, शिवालिक फॉसिल मतलब जीवाश्म होता, शिवालिक जीवाश्म पार्क, मैं लिख दे रही हूँ, शिवालिक जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ हुई है, हिमाचल प्रदेश का है ये। एंड सेकंड जो घोषित की गई है उसका नाम है स्ट्रोमेटालाइट, स्ट्रोमेटालाइट, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, स्ट्रोमेटालाइट बेयरिंग लाइम स्टोन, लाइम स्टोन या डोलोमाइट, क्लियर। और ये कहाँ से? सिक्किम, ये सिक्किम से, तो ये आपको ध्यान रखना। तो उसी दिन मैंने डिस्कस किया था कि GSI जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1851 में हुई थी, 1851 में हुई थी। क्यों हुई थी इसकी स्थापना, क्या जरूरत पड़ी थी? तो रेलवे के लिए, रेलवे के लिए स्पेशली देखा जाए तो रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए, जो कोल है उसके भंडार का पता लगाने के लिए GSI की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी कब, 1851 में की गई थी। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करें जो GSI है इसकी क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछें आपसे अभी, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने ही लेक्चर में डिस्कस किया है, कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ है, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के कहाँ पर, लम्हेटा घाट, कौन से घाट पर, लम्हेटा घाट, जियो पार्क कहाँ किया गया है, लम्हेटा घाट। तो MP के कहाँ पर है ये लोकेशन, जबलपुर में। नेक्स्ट के देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, साजिबू नोंगमा पनबा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से इसको पढ़ते हैं, साजिबू नोंगमा पनबा ये किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो ये किसका है, ये है मणिपुर का, किसका है, मणिपुर का, मणिपुर क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा, साजिबू नोंगमा पनबा ये मणिपुर का है। और कौन सा धर्म इसको सेलिब्रेट करता है, तो जो मणिपुर के एक का एक धर्म है सन्मह धर्म, कौन सा धर्म है, सन्मह धर्म, तो इसी के जो अनुयायी लोग हैं वही ये इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इसको और भी नाम से जाना जाता है, वो भी देख लेते हैं, हो सकता है ये नाम ना दे करके कुछ और नाम दे दें, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से नाम से इसको और भी जाना जाता है। तो उसका नाम है मीतेई, मीतेई चीरो, मीतेई चीरो ओबा, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, हमारे स्पेस नहीं है, मीतेई चीरो बा, ये आपका चीरोबा, या फिर कह सकते हैं इसको साजिबू चीरो ओबा, ये कहाँ का है, मणिपुर का, मणिपुर का
जो मणिपुर के जो सबसे बड़े जातीय समुदाय हैं उनमें से एक जो है मीतेई, सबसे बड़े मणिपुर के जो जातीय समुदाय हैं उसमें एक समुदाय का नाम है मीतेई, तो उसी के द्वारा ये त्यौहार क्या किया जाता है, उनके द्वारा ये पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है। और ये आपको क्लियर हो, और ये कह सकते हैं मणिपुर में, ये कह सकते हैं आप लोग, ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, ये मणिपुर में नए वर्ष का वार्षिक उत्सव है, नए वर्ष का वार्षिक उत्सव है। इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सैटरडे के, कि गुड़ी पड़वा ये कहाँ पर है, गुड़ी पड़वा ये त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये भी नौ वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया था, महाराष्ट्र में मनाया गया था, मैंने बताया था। तो ऐसे ही ये मनाया गया मणिपुर में, ये नए वर्ष के वार्षिक उत्सव है। तो चलिए कुछ और भी हम लोग फेस्टिवल देख लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखूंगी नहीं, बस बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। नोखाई महोत्सव कहाँ पर है, तो ये मतलब कहाँ पर नहीं है, सॉरी, कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिशा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। बात करें रज महोत्सव तो ओडिशा। राजा पर्व या मिथुन संक्रांति त्यौहार ओडिशा। सिग्मो महोत्सव गोवा। आदि महोत्सव दिल्ली। मांडू महोत्सव एमपी। कानुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह। बोनालू त्यौहार तेलंगाना। लालटेन त्यौहार चीन। माघ बिहू महोत्सव असम। चाय महोत्सव असम। स्ट्रॉबेरी महोत्सव यूपी। गुड़ महोत्सव यूपी। काला नमक चावल महोत्सव यूपी। सादिबू चिरौबा त्यौहार अभी डिस्कस किया मैंने मणिपुर। कंचोत जम्मू कश्मीर। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर। कंबाला महोत्सव जिसमें भैंसों की रेस कराई जाती है कर्नाटका। बूंदी महोत्सव राजस्थान। पोंगल तमिलनाडु। ओणम केरल। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो ये आपके जो है 2022 में जो भी सेलिब्रेट हुए हैं वो हैं, कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका स्किप नहीं होगा, मैं इसको 2-3 बार रिविजन करा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करने से पहले आप लोगों का जो वर्क है वो आप लोग कर लीजिए, एंड वो है आपका लाइक करना सेशन को, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2021, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर, कर्नाटका। कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन, कर्नाटका में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए और भी इस बारे में देख लेते हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ था, होने वाला था 2021 में, लेकिन क्या हुआ था, कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दिया गया था। तो अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा कर्नाटका में, और ये इसका दूसरा संस्करण होगा। ये इसका कौन सा संस्करण होगा, दूसरा संस्करण होगा। और इसका मतलब उद्घाटन किसने किया है, इसका जो है, इसका जो एक शुभंकर लॉन्च किया गया, चलिए ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे ये शुभंकर लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा, ये आपको अनुराग ठाकुर दिख रहे होंगे। ये अनुराग ठाकुर कौन है, ये खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और जो कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत। तो इन्हीं दोनों के द्वारा क्या किया गया है, कर्नाटका के बेंगलुरु के एक स्टेडियम है, उसका नाम है श्री कांति रवा स्टेडियम। तो वहीं पर इसको क्या किया गया है, इसको यानी इसका जो शुभंकर है उसको लॉन्च किया गया है। और उसका शुभंकर जो है उसका क्या नाम है, शुभंकर का नाम है वीरा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि जो मतलब इस आयोजन में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया, तो उसका क्या नाम है, वीरा है। तो यहीं पर लोगो, जर्सी, शुभंकर, गान, ये सब क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और यहाँ का जो थीम सॉन्ग को किसके द्वारा, जो कन्नड़ रैपर क्या नाम है उनका, चंदन शेट्टी, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इसको कंपोज किया गया है। और ये जो होगा आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, ये कब से कब तक होगा, 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच इसको क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसका सेकेंड संस्करण है ये, तो पहला कब हुआ था, पहला वाला पूछा गया था एग्जाम में, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला पूछा गया था, ये भी हो सकता है पूछ ले। तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था ओडिशा के द्वारा आयोजित किया गया था, पहला संस्करण इसका ओडिशा के द्वारा किया गया था।
तो अभी मैंने बताई दिया कोविड के कारण इसको क्या किया था, स्थगित कर दिया गया था, तो अभी इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया जाएगा, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, चर्चा में रहा शब्द, एक शब्द है किसका, जिसका क्या नाम है, हिप्पोक्रेटिक शपथ, क्या नाम है इसका, हिप्पोक्रेटिक शपथ। तो चलिए देख लेते हैं ये हिप्पोक्रेटिक शपथ आखिर है क्या, एक्चुअली क्या है ना, क्या चाह रहा है ये, तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है चरक संहिता से संबंधित, किससे संबंधित है ये, चरक संहिता से संबंधित। अभी हुआ क्या है कि इस हिप्पोक्रेटिक शपथ के स्थान पर क्या ऐड कर दिया गया है, चरक शपथ, और ये किससे संबंधित है, चरक संहिता से संबंधित है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आखिर ये पूरी कहानी है क्या, हुआ क्या है कि जो, एक मिनट चेंज कर ले रही हूँ कलर, जो IMA है, अब आप क्वेश्चन ये उठ रहा होगा माइंड में कि IMA क्या है, तो आई से इंडियन, एम से मेडिकल, ए से एसोसिएशन। तो इसने क्या किया, जब एक दीक्षांत समारोह हो रहा था उस दौरान इसने क्या किया, जो हिप्पोक्रेटिक शपथ है उसको चरक शपथ से क्या किया गया, रिप्लेस करने के लिए जो NMC है, किसके द्वारा, IMA के द्वारा NMC के सुझाव का क्या किया गया, विरोध किया। क्या इसने सुझाव दिया कि हम क्या करेंगे, हिप्पोक्रेटिक शपथ के स्थान पर क्या कर देंगे, चरक शपथ यूज करेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कि ये जो हिप्पोक्रेटिक शपथ है ये क्या है, ये जो मेडिकल स्नातक होते हैं उनके लिए क्या है, एक नैतिक संहिता है। हिप्पोक्रेटिक शपथ जो है ये नए मेडिकल स्नातकों के लिए क्या है, एक नैतिक संहिता है, संहिता है, सॉरी संहिता है, ठीक है। तो इसे जो प्राचीन यूनानी चिकित्सक हैं, ग्रीक चिकित्सक हैं, हिप्पोक्रेटस ने इसको क्या किया था, हिप्पोक्रेटस ने इसको क्या किया था, लिखा था। और इस शपथ को ही WMA के द्वारा, अब आपको एक नया टर्म समझ सुनने को मिला, WMA क्या है, तो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, तो उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, संशोधित किया गया। और 1948 यानी 1948 में क्या होता है, जो जिनेवा घोषणा है उसी के रूप में इसको क्या किया गया, प्रचारित किया गया। क्लियर, तो इसमें जो चिकित्सक होते हैं उनका कर्तव्य क्या है, उसकी रूपरेखा इसमें क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, बताई जाती है। इसमें जो चिकित्सक हैं उनके कर्तव्य के बारे में बताई जाती है कि उनका क्या कर्तव्य है इस उसमें। क्लियर, अब चलते हैं देख लेते हैं, जो मैंने IMA डिस्कस किया था कि IMA क्या है, तो IMA भारत में चिकित्सकों का क्या है, एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है, और इसमें डॉक्टरों के हित या समुदाय की या क्या करता है, उनके हित को देखता है, समुदाय के भलाई को ये क्या करता है, देखता है। और इसको 1928 में ऑल मेडिकल एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था, और 1930 में यानी 1928 में स्थापित किया गया, 1930 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर दिया गया। ये इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो है IMA जो है ये भारत के समाज अधिनियम के तहत पंजीकृत क्या है, एक सोसाइटी है। एक और मैंने टर्म यूज़ किया था WMA, तो ये भी देख लेते हैं ये क्या है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, तो ये क्या है, ये भी चिकित्सक संघों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है, और ये दुनिया भर के जितने भी चिकित्सक हैं उनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 18 सितंबर 1947 को इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो इससे रिलेटेड जितना भी था मैंने बता दिया, बहुत डीप जाके बता दिया गया, बस इसमें यही था कि चरक संहिता में ये बताया गया कि मरीज का क्या करना है, जो पेशेंट है उनका अच्छे से इलाज हो, उचित तरीके से इलाज हो, और इनका और इनकी जो गोपनीयता है, इनकी जो प्राइवेसी हो वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ये शपथ दिलाई जाती है इसमें। तो क्लियर हो गया होगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने 3 अप्रैल 2022 को सेना चिकित्सा कोर के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में यानी 3 अप्रैल को, कब 3 अप्रैल को सेना चिकित्सा कोर के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कौन सा मनाया गया, 258 नंबर का, 258 258 नंबर का ये मनाया गया है। और देख लेते हैं ये जो कोर है इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो मैं लिख दे रही हूँ सर्व सर्व संतु निरामया, इतनी संस्कृत तो सबने पढ़ी होगी कि इसको प्रोनाउंस कर सकें, सर्व संतु निरामया,
क्या है इसका आदर्श वाक्य? सर्वसंतु निरामया, जिसका मतलब क्या हुआ कि सर्वसंतु निरामया मतलब कि सभी को क्या करना है, रोग और दिव्यांगता से क्या करना है, मुक्त होने देना है। सभी क्या हो, रोग से और दिव्यांगता से क्या है, मुक्त हो, यही इसका आदर्श वाक्य है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सेना चिकित्सा कोर, अब पता ही चल रहा होगा कि ये चिकित्सा कोर यानी चिकित्सा इस करती है, किसकी करती है, कब, जब कोई आपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, चाहे वो युद्ध हो या कैसा भी, जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ, तो कोविड के टाइम में इसने क्या किया, पिछले दो साल से इसने क्या किया, उत्कृष्ट सेवा की है लोगों की ये कोर जो है आपका। और ये क्या करती है, जो युद्ध है या जो जो भी है, मतलब कोई भी युद्ध, कोई अभी आपदा आ जाती है, तो ये क्या करती है, सेना को स्वास्थ्य देखभाल और आपदा प्रबंधन के दौरान क्या करती है, चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। तो इसका काम क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, कल ही मैंने सैटरडे के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कल के लेक्चर में या सैटरडे के लेक्चर में, मुझे क्लियर नहीं है, बट मैंने डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली किया था, कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है। तो कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में। मैंने दो क्वेश्चन किया था, एक विश्वविद्यालय, एक मैंने खेल विश्वविद्यालय की बात बताई थी, तो वो मणिपुर, और एक मैंने क्या बताया था, दोनों एक साथ ही बताया था कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी वो गुजरात के गांधीनगर में। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। भारत के किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को हाल ही में भंग कर दिया गया है? तो किसको भंग कर दिया गया, किसके मतलब किस देश की नेशनल असेंबली को, तो पाकिस्तान अभी चर्चा में बना हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री इमरान खान का नेतृत्व वाला सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उसको बिना मतदान के ही क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। क्लियर। और वहाँ का जो मतलब वहाँ का भी संविधान है, जैसे हमारे देश का संविधान है तो पाकिस्तान का भी संविधान है, तो वहाँ का आर्टिकल, एक मिनट, वहाँ के आर्टिकल 5, पाकिस्तान का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 5 है, उसी का जो वहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान के, कासिम खान सूरी, उन्होंने इसी को बताते हुए कहा, आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसमें आर्टिकल 5 बताता है ये चीज़ें। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ है, कि इमरान खान गए और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट उनसे सिफारिश किया कि क्या करो भैया, इसको भंग करना है। उन्होंने कहा कि क्या करना है, नेशनल असेंबली को भंग कर देना है। तो उन्होंने क्या किया, बात मान ली और कर दिया, और अब क्या कहा कि हम फिर से इसको क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो 19 डेज है, मतलब आने वाले 90 दिन के अंदर ही क्या होगा, वहां पर फिर से चुनाव होने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति से ये पहुँचते हैं मिलने में इमरान, और फवाद चौधरी ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया है इन पर, बिना वोटिंग अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। 25 अप्रैल तक संसद वहां क्या रहेगी, स्थगित रहेगी। इमरान ने की संसद भंग करने की सिफारिश प्रेसिडेंट से, जो कि ऑलरेडी बता दिया, राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच, अब आर्थिक संकट वहां पर आया हुआ है, कहां पर, श्रीलंका में, बहुत मतलब वहां पर बहुत ही क्राइसिस चल रही है, तो उसके विरोध में लोग उतर गए हैं सड़क पर, तो इसमें क्या किया है श्रीलंका की सरकार ने, क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी है, वहाँ आपातकाल लगा दिया गया है, आर्थिक तंगी, बिजली कटौती की जा रही है, तो उसी के खिलाफ क्या कर रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्या किया गया, वहाँ पर 36 आवर्स के लिए क्या कर दिया गया, अभी आपातकाल की घोषणा कर दी गई, कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोटाबाया राजपक्षे हैं, तो इन्होंने इसको क्या किया है, घोषणा दी है। बात करें कि अभी क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत मतलब क्या है, बहुत ही क्राइसिस चल रही है, बहुत ही ये कर्जे में डूब गया है। भारतीय सहायता अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से क्या हेल्प की जा रही है, तो 40,000 टन यहाँ पे डीजल की क्या की गई है, एक खेप भेजी गई है भारत की तरफ से। इससे पहले भी भारत की तरफ से बहुत सारी हेल्प की गई, खाद्य सहायता में की गई है, तो खाद्य सहायता में कोलंबो ने फिर क्या किया, कोलंबो से नहीं, खाद्य सहायता में इसको देखा जाए तो 40,000 टन क्या किया गया है, चावल भेजा गया है श्रीलंका के लोगों के लिए, यहाँ से 40,000 टन क्या किया गया, चावल भेजा गया है।
और मतलब वहाँ पर जो श्रीलंका है वहाँ पे जो देखा जाए तो ईंधन है, खाद्य है, आवश्यक वस्तुएं, मतलब इतनी किल्लत वहाँ पर आ गई है, इतनी किल्लत कि वहाँ की जो प्राइसेस हैं, जो कीमत है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच गई, बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू रही हैं। तो इसलिए क्या किया गया, लोगों ने वहाँ पर क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया, और इसी के कारण वहाँ पर क्या किया गया है, ये आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्कूली विद्रोह, सॉरी, स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2 अप्रैल 2022 को देश की पहली कौशल चैंपियन जूनियर स्कूल। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या लगा, पहली, और जहाँ पर कोई चीज़ पहला हो कि पहला ये यूनिक है, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2 अप्रैल 2022 को कौशल, पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 कहाँ संपन्न हुई। तो ये कहाँ पर, नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। लेकिन अगर यही पूछ ले कि विश्व कौशल चैंपियनशिप, ये तो देश की पहली है तो नई दिल्ली में, विश्व की पूछ ले कि विश्व कौशल चैंपियनशिप, तो वो कहाँ पर है, संघाई चीन, संघाई चीन। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा कि यहाँ पे कौशल बोला तो स्किल से संबंधित है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आर बी आई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, इसको हिंदी में लिखना है, एक मिनट, BRBNM, ये मुद्रण नहीं होगा, मुद्रण होगा, ऐसे लिखा रहेगा, मुद्रण, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, क्या लिखा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने कहाँ पर वर्डिका नामक, किसका नामक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की क्या की है, इकाई की स्थापना की है। तो कहाँ पर किया है, तो ये किया है आरबीआई के जो गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका, शक्तिकांत दास। तो उन्होंने इसको कहाँ पर, मैसूर में, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये BRBNMPL की क्या किया है, वहाँ पर मतलब इसकी जो स्याही निर्माण इकाई वर्डिका है उसको क्या किया, स्थापना की है इसकी। इतना क्लियर हो गया होगा। और आरबीआई ये जो है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली क्या है, एक सहायक कंपनी है। और ये लिमिटेड जो है, ये प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये इसने क्या किया है, जो बैंक नोट हैं, ये जो बैंक नोट हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 बैंक नोट की क्या करना है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की, कितने मीट्रिक टन की, 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ इसकी क्या की है, वर्डिका की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि लागत दक्षता को हासिल करना है और जो आयात निर्भरता है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। इतना क्लियर हो गया होगा। और इसका शुभारंभ किसने किया, ये भी मैंने बता दिया, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। कुछ और देख लेते हैं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, और इसमें उनका उद्देश्य क्या है, उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया कि भविष्य में नोटों की छपाई के मामले में हमें क्या करना है, 100% क्या करना है, आत्मनिर्भरता हासिल करना है। और बात करते हैं कि ये जो आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो चलिए बता दे रहे हैं कि नोट छापने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छापने के लिए भारत में कहाँ कहाँ प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई है, तो नासिक में है, नासिक कहाँ है आपका, महाराष्ट्र, देवास कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश, सालबोनी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, मुझे क्लियर नहीं है कहाँ पर, लेकिन आया हुआ है, सालबोनी, पश्चिम बंगाल, एंड एक आपका बसता है मैसूर कर्नाटका। तो ये पांच ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्या है आपका, नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, सालबोनी, पश्चिम बंगाल, मैसूर, कर्नाटका, नासिक, महाराष्ट्र, देवास, मध्य प्रदेश। तो ये इसका उद्देश्य वही है कि नोट के जो स्याही है, नोट के इंक की क्या करना है, आपूर्ति करना है, इसमें क्या करना है, हमें आत्मनिर्भरता लाना है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आरबीआई आया है, तो आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको डिस्कस कर दिया था, बता दिया था। और किसकी सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन की सिफारिश पर की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यंग हिल्टन की सिफारिश पर की गई थी।
और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में होता है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इसके पहले जो क्या थे, पहले हेड जो थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ थे, ओसबोर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के देखें तो सीडी देशमुख होंगे, और अभी तो आपको पता ही है कौन है। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैप भी है आपके पास। केंद्र सरकार ने किन तीन पूर्वोत्तर राज्यों में क्या लागू किया है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां एक्ट 1958, तो इसको आंशिक रूप से वहां से क्या किया गया, जो वहां पे आपसपा एक्ट लगा था उसको आंशिक रूप से वापस ले लिया है, कहां के तीन राज्यों में, तो असम से, नागालैंड से, मणिपुर। ये है मणिपुर, ये है असम, ये है नागालैंड, तो यहां से क्या किया गया है, इसको वापस ले लिया गया। ये कई दिन से, मतलब कई आपको मैंने कई लास्ट के मंथ में मैंने ये डिस्कस भी किया था, पूरा डिटेल मैंने अफसपा के बारे में बताया था, लेकिन मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, भूले ना ये चीज़। तो अभी क्या हुआ, जो केंद्र सरकार है उसने इन तीन राज्यों से यानी असम, नागालैंड और मणिपुर के हिस्सों से ये जो सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियाँ अधिनियम है 1958, जिसको हम क्या कहते हैं, अफसपा, अफसपा, इसको क्या किया है, आंशिक रूप से वापस ले लिया है। और अफसपा जो है, ये तीन राज्य तो आपको दिख ही रहे हैं, मणिपुर, असम और नागालैंड, यहाँ तो ये एक्ट लागू ही है, अभी तो वापस ले लिया, लेकिन यहाँ भी है, और कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, और कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी ये क्या है, अभी कुछ हिस्सों में ये लागू है। ये अफसपा है क्या, तो इसमें जो सेना होती है, जो सशस्त्र बल होती है, उसको क्या दे देती है, शक्तियाँ उनकी बढ़ा देती है। जैसे जैसे क्या, किस तरीके से शक्ति बढ़ा देगी, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या हथियार और गोला बारूद रख रहा है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, हथियार रखा हुआ है या किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको गोली चलाने की क्या कर देता है, ये एक्ट उसको अनुमति दे देता है, चाहे उसकी मृत्यु हो या ना हो, ये उसको सेना को क्या कर देता है, इसको अधिकार दे देता है। और अगर कोई संदेह के दायरे में है, संदेह के आधार पर भी बिना किसी वारंट के उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, उसकी तलाशी करने की शक्ति दे देता है। तो ये सारे इस अफसपा एक्ट के तहत उसको सेना को क्या की जाती है, शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तो ये जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, ये केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए अफसपा का विस्तार करने के लिए समय समय पर, टाइम टू टाइम, ये क्या करती है, अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करती रहती है। कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल किसके लिए, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए। और ये किस धारा के तहत ये अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, धारा 3 के तहत। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद उसे केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किसी भी स्टेट या उसके कुछ हिस्सों पर इसे लगाया जाता है। लेकिन अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या करती है, इसका विस्तार करने के लिए समय समय पर अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करती है। और मणिपुर और असम के लिए अधिसूचना किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मणिपुर और असम के लिए राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया है और कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैंने मैप दे दिया आपको, देख लीजिएगा। आज रिवीजन नहीं कराएंगे, रिवीजन में कल करा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, इतना डीपली बता रहे हैं तो पसंद तो आया होगा आपको, रिवीजन भी होता है टाइम टू टाइम, आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। तो आप क्या करिए, आपका जो काम है आप वो करिए, मेरा जो काम है हम करते रहेंगे आपके लिए। बस आप क्या करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।